अभी भी जारी है ये मैच। बेकी लिंच दिखाना चाहती हैं आस्का को कि क्या करने वाली हैं आस्का के साथ। वो अभी फिलहाल देखिए बैकस्टेज लेसी देख रही हैं इस मैच को, आंक रही हैं। हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कहाँ जाएंगी वो, स्मैकडाउन लाइव पे ही आएंगी क्या? जी हाँ, स्मैकडाउन लाइव जाएंगी या जाएंगी वो मंडे नाइट रॉ पर? अभी सब जो एनएक्सटी से सुपरस्टार्स हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है मेन रोस्टर के लिए, अभी तक उन्हें हमें बताया नहीं गया है कि कौन से शो पे जाएंगे। क्या ईसी थ्री आएंगे मंडे नाइट रॉ पे या स्मैकडाउन लाइव पे? हेवी मशीनरी कहाँ पे रहेंगे? लेसी एवंस कहाँ जाएंगी? निकी क्रॉस कहाँ जाएंगी? कहीं पे भी हमें मालूम नहीं है, मगर हमें जल्द ही मालूम पड़ेगा। मगर यहाँ पे अपर कट्स के साथ कंट्रोल ले रही है द मैन। निकी क्रॉस को हमने कल देखा था एक सिक्स वुमन टैग टीम मैच में, राइट स्क्वाड के खिलाफ लड़ रही थी वो, काफी बेहतरीन प्रदर्शन उनका उस मैच में। अभी फिलहाल इस मैच में पेटन रॉयस की हालत खस्ता करते हुए द मैन बेकी लिंच पूरी तरह कंट्रोल में, वापस गुस्से में आ चुकी है। और बाप रे बाप, पेटन रॉयस ने चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार अब जा रही है सेकेंड टर्नबकल पे। क्या जबरदस्त मूव था वहां पे, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। टॉप रोप पे बैठी हुई थी बेकी लिंच और लात मिली सीधे मुंह पर, बाप रे बाप। मिहिर, आप जिस एलिमिनेशन चेंबर की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है उसमें कौन सी ऐसी तीन टैग टीम्स होंगी जो जाएंगी वहां पे? तीन स्मैकडाउन लाइव, स्मैकडाउन लाइव से मेरे ख्याल से मैंडी रोज और सोनिया डेविल। ओ ये देखिए बातें बाद में डिसआर्मर में डाल दिया है द मैन ने, और बेकी लिंच जीती है ये मैच। पेटन रॉयस और बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो डिसआर्मर में आते ही टैप कर देते हैं। आस्का पूरी तरह गुस्से में आ गई है ऐसा लग रहा है। क्या कहा उन्होंने मुझे समझा नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया भाई, कोई जापानीज ट्रांसलेटर हो तो यहाँ पे बुला लो यार। एक बात तो साफ है, काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। शायद वो कह रही है तुम में से एक आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए, शायद बिली के को बुला रही है, और यहाँ पे शायद आस्का दिखाना चाहती है बेकी लिंच को कि वो क्या कर सकती है। ये देखिए एक दूसरे को दिखाने के लिए, यानी कि इन दोनों की आपस की गर्मा गर्मी में आइकॉनिक्स की धुलाई हो गई। जी हाँ, किस बुरी घड़ी में ये दोनों बाहर आए थे, इन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। बातें करने आई थी, अब बिली के अपने घुटनों पे आ चुकी है पूरी तरीके से। आस्का ने हेलो बोल के झगड़ा कर रही है क्या? जी हाँ, रियर अटैक के बाद एक घुटना सीधा मुंह पे बिली के, और एक आम बार में डाल दिया है यहाँ पे आस्का ने। सर्दी के मौसम में भी आम बार। ये देखिए बेकी लिंच के डिसआर्मर के जैसा एक मूव है, आस्का शायद मजाक उड़ा रही है यहाँ पे बेकी लिंच का, कह रही है कि तुम जो कर सकती हो मैं उसको ज्यादा बेहतर कर सकती हूँ, मगर बिली के ओहो, और अब डाल दिया है आस्का लॉक में आस्का ने। बिली के भी कम नहीं है कैपिटलाइज करने की कोशिश की, लेकिन अब टैप आउट करके खत्म हो गया मैच। आस्का यानी कि हमारी चैंपियन और हमारी फॉर्मर चैंपियन द मैन बेकी लिंच आमने सामने, ये राइवलरी एक दूसरे से दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम टैप आउट कर सकती हो तो मैं भी टैप आउट कर सकती हूँ।